हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, जो मैंने लास्ट दोनों वीडियोस डाली थी कि मैंने कार्स कंट्री फोर से गाड़ियां बाय करी थी 30,000 की, जो मैंने स्विफ्ट डिजायर थी और फोर्ड फिगर थी उसकी मैंने वीडियो डाली थी पेमेंट करने की। वो दोनों वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब मैं उसके आगे का आपको अपडेट दे रहा हूँ कि अब आगे क्या हुआ उसके बाद, उन वीडियोस के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ आ सके। तो पेमेंट करने के बाद मेरे को कार्स 24 की तरफ से मेल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर परचेजिंग योर कार्स। तो मैं तो खुश हो गया कि ठीक है, चलो मैंने गाड़ियां बाय कर ली है, मेरे को पेमेंट करने के बाद आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर परचेजिंग योर कार। तो उसके बाद मेरे को नेक्स्ट डे तक कोई ना मैसेज आया कार्स 24 से, ना कॉल आया, 24 तक कुछ नहीं आया। मैंने 23 को बुक करी थी, पेमेंट करी थी आज की, 24 तक मेरे को कुछ नहीं आया। तो 24 को मेरे को शाम को 4 बजे, जो कि मैंने पेमेंट करी थी 23 को करी थी 6 बजे के आसपास शाम को, तो मेरे को अगले दिन अराउंड 22 आवर्स बाद कॉल आता है उनका। उनके डिपार्टमेंट से कोई अजय जी थे जिनका मेरे को कॉल आया था। तो मेरे को कॉल पे कहते हैं कि सर, आपने जो कार्स बुक करी हैं तो उसकी टेस्ट ड्राइव आप कब लेना चाहेंगे। मैंने बोला कि जो टाइम पे टेस्ट ड्राइव थी आप मेरे को उसी टाइम पे दो, सैटरडे को 10 से 2 के बीच में। वो कहते ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि जो आपने कार्स बुक करी थी ना, तो उसका जो प्राइस था वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से 30,000 आ गया था। तो अभी उनको एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, तो उन्होंने मेरे को बोला कि उनको अभी एग्जैक्ट प्राइस कार्स का नहीं पता, और 30,000 जो आपने पे किए हैं वो एक ग्लिच था, तो उतना रेट आ गया था कार्स का। तो मैंने उनको डायरेक्टली बोला कि मेरे को नहीं पता कि आपका वेबसाइट पे ग्लिच था कि नहीं था, मैंने 30,000 में पेमेंट करी हुई है दोनों कार्स की, 30,000 ईच, तो मेरे को कार डिलीवरी चाहिए कल, क्योंकि मैंने पेमेंट पूरी कर दी। और मेरे को मैसेज भी आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर परचेसिंग योर कार, ईमेल आ गई थी मेरे को। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने हायर मैनेजमेंट से बात करके आपको कॉन्टैक्ट करता हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को 6 o'clock के आसपास, 24th की बात कर रहा हूँ मैं, फ्राइडे की 6 o'clock के आसपास मेरे को मैसेज आ गया कि आपकी जो टेस्ट ड्राइव है वो शेड्यूल्ड है कल के लिए, दैट इज सैटरडे 25th 10 से 2 के बीच में। मैंने कहा ठीक है, मतलब मेरे को सैटरडे को कार आएगी, टेस्ट ड्राइव के लिए शेड्यूल थी, पेमेंट मैं कर चुका था, तो वो डिलीवरी होगी मेरी 10 से 2 के बीच में, बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी मैं सैटरडे को ही उस टाइम कर लूंगा। तो 25th को मेरी कार की डिलीवरी थी। तो 25th को मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई कार्स 24 की तरफ से, 10 से 2 का टाइम था, 10 बज गए, 11 बज गए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो मैंने अपनी तरफ से कार्स 24 की ऐप पे कॉल बैक का ऑप्शन होता है, कॉल बैक अरेंज करने का, तो मैंने वो बहुत बार ट्राई किया कॉल बैक अरेंज करने का, लेकिन वो मेरे को कॉल बैक नहीं कर रहे थे। सो कार्स 24 की एप्लीकेशन पे अभी भी मैं कॉल बैक अरेंज करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी वो मेरे को कॉल बैक नहीं कर रहे हैं। वो आप आगे देख सकते हैं, मैंने वीडियो अटैच करी है। सो लेफ्ट साइड में मेरा वो वाला फोन है जिससे मैंने कार्स बाय करी हुई है, मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं मैंने कार्स बाय करी हुई है, ये मेरा वो वाला फोन है जिससे मैंने कार्स बाय करी है, देख सकते हैं स्विफ्ट और फिगो 30,000 लिखा है दोनों पे। तो मैं दोनों फोन से कॉल बैक अरेंज करता हूँ। जो राइट साइड वाला फोन है वो मेरे रिलेटिव का फोन है, मैं उससे कॉल करके देखता हूँ उसे। देखिए मैं कॉल बैक अरेंज कर रहा हूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये देख सकते हैं यहाँ पे कॉल आ चुका है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैं कार्स 24 से मंदीप बात कर रहा हूँ। हाँ जी हेलो, आवाज आ रही है क्या? मेरी बात सर सतनाम सिंह जी से हो रही है। हाँ जी जी सर, सर जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, आप हमारी वेबसाइट में गाड़ी देख रहे थे, किसी कारणवश आप बुक नहीं कर पाए, मैं आपको सहायता कर सकता हूँ सर बुकिंग के लिए? एक्चुअली मैंने दूसरे नंबर से कार बुक करी हुई है और उस पे ना मैं कॉल बैक रिक्वेस्ट अरेंज कर रहा हूँ, लेकिन कॉल बैक रिक्वेस्ट आ नहीं रही है उस पे। मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, आपने जिस नंबर से बुक करी है उस नंबर से आपको कॉल बैक अरेंज नहीं हो पा रही? नान जी नहीं आ रही। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपको उस नंबर पे कॉल आ जाएगी सर, आप वेट कर लीजिए। एक्चुअली मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, उस पर एक भी कॉल नहीं आ रही। जी सर आप बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, बता दीजिए, मैं आप शायद आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ।
मैंने कार्स वहाँ पे बाय करी हुई हैं, मैंने टेस्ट ड्राइव के लिए बुक करी थी पहले, फिर फुल पेमेंट कर दी थी, लेकिन सैटरडे को डेट थी उनकी डिलीवरी की, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुई अभी तक मेरे पास। सर देखिए 7 डेज वर्किंग होते हैं, तो आपको जल्दी सर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है सर। अगर उस पर मतलब कॉल बैक आ नहीं रही ना, मैं ट्राई भी कर रहा हूँ 2-3 दिन से। सर आ जाएगी, आप वेट कर लीजिए, कॉल बैक आ जाएगी, कोई बात नहीं, मैं आपकी कॉल बैक अरेंज करवा देता हूँ सर, ठीक है सर। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं नंबर बता दूँ आपको? जी सर आपको कोई बात नहीं, आपको कॉल बैक आ जाएगी, ठीक है, या मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और कोई जानकारी लेना चाहेंगे सर आप? नहीं थैंक यू, नहीं नहीं थैंक यू, ठीक है। देख सकते हैं राइट साइड वाले फोन पे कॉल बैक आई थी, मेरे पास अभी भी नहीं आई। मैं ये बहुत बार कॉल बैक रिक्वेस्ट अरेंज कर चुका हूँ, कम से कम 3-4 बार, मैं 3-4 बार क्या कह रहा हूँ, मतलब 3-4 दिन से लगातार अरेंज कर रहा हूँ, लेकिन कोई कॉल बैक नहीं आ रहा मेरे को मेरे नंबर पे जिस पे मैंने कार बुक करी हुई है, और दूसरे नंबर्स पे कॉल बैक आ रही है, और उनको मैं अगर कह रहा हूँ कि मेरे को उस नंबर पे कॉल बैक नहीं आ नहीं रही दूसरे वाले पे जिस पे मैंने बुक किया है, तो वो मेरे को हेल्प नहीं कर रहे हैं। आपने लाइव रिकॉर्डिंग में ही सुन लिया कि वो हेल्प नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं मेरे फोन पे कोई नेटवर्क इशू नहीं है, नेटवर्क्स पूरे आ रहे हैं, और इसी पे ही मैंने कार्स बुक करी हैं। मैं आपको दूसरे फोन से कॉल भी करके दिखा देता हूँ कि कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है मेरे फोन पे, जिससे कि कार्स 24 वाले कॉल ना कर पा रहे हो। देख सकते हैं कॉल आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है मेरे फोन में। आप देख सकते हैं मैंने कितनी बार कॉल बैक अरेंज करी है, मैं दिखा देता हूँ। मेरी 25th को डिलीवरी थी कार्स की, देख सकते हैं 25th सितंबर को मैंने कॉल बैक अरेंज करी है 10:26 पे, उसके बाद 10:27 पे, 10:47 पे, 11:09 पे, 11:38 पे, 12:08 पे, 12:18 पे, 1:44 पे, 7:35 पे, 8:35 पे, 8:40 पे, फिर अगले दिन 26th को 10:18 पे, 10:20 पे, 12:09 पे, 12:12 पे, 12:20 पे, फिर 27th को आज 3:51 पे। इतनी बार मैंने कॉल बैक अरेंज करी है, लेकिन मेरे को कोई भी कॉल बैक नहीं आई है जिससे मैंने कार बुक करी है, जो नंबर से मैंने कार बुक करी है उस पर कॉल बैक नहीं कर रहे कार 24 वाले। मैं अपना नंबर हाइड कर दूंगा, बाकी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट साथ में। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि अराउंड 11:30-11:40 के आसपास मैंने अजय जी को वापसी कॉल किया, जिनका मेरे को 24th को 4 बजे कॉल आया था कि वो मुझे कह रहे थे कि ग्लिच था। मैंने उनको बोला कि मेरी कार की अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, तो वो कहते ठीक है मैं कराता हूँ। उन्होंने फिर मेरे को कहा ठीक है मैं कराता हूँ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने कार्स 24 का कॉल बैक अरेंज किया दूसरे नंबर से, जो मेरा फैमिली में दूसरा नंबर है, मैंने उससे कॉल बैक अरेंज किया, तो उससे कॉल बैक आया मेरे को फोन पे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम प्री बुकिंग टीम से हैं, हम पोस्ट बुकिंग टीम से नहीं है, तो आपका जो भी इशू है ना वो आपका पोस्ट बुकिंग का है, क्योंकि आपने कार बुक कर दी थी। उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था और चेक करके बता दिया था, हाँ जी आपकी कार बुक है और आज की डिलीवरी है, लेकिन वो कह रहे हैं हम इस पे कुछ हेल्प नहीं कर सकते, तो आपको एक ईमेल आईडी देते हैं। उन्होंने ईमेल आईडी मेरे को दी care@cars24.com, वो मेरे को कहते हैं आप एक बार इस पे ईमेल कर लीजिए आपका जो भी इशू है, तो फिर वो वहां से रिजोल्व हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उस पे ईमेल किया कि एग्जैक्टली मेरा ये इशू है और मेरे को कार डिलीवर नहीं हुई, तो उन्होंने एक टिकट जनरेट कर दी है, उन्होंने मेरी एक टिकट जनरेट की, और उसके बाद जो भी उस पर कन्वर्सेशन हुई वो आप देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने उनको ईमेल किया था 25th को कि मेरी कार्स थी जो कि डिलीवर होनी थी और डिलीवर नहीं हुई, तो उसके बाद उन्होंने एक टिकट रेज करी, मेरी टिकट रेज कर दी, और उसके बाद मैंने इनको फिर ईमेल किया कि मेरी गाड़ियां डिलीवर कब होंगी, तो उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। देख सकते हैं मैंने 11:28 पे फिर से उनको मैसेज किया कि कार आज डिलीवर होनी थी, तो मेरी कार्स कब डिलीवर होंगी। फिर उसके बाद उनकी टीम से 1:46 अराउंड 1-2 घंटे बाद मैसेज आता है, मेल आता है कि आपका हमने कंसर्न रजिस्टर कर लिया और आपको 2 घंटे के अंदर कोई कॉल बैक आ जाएगा। लेकिन उसके बाद मेरे को कोई कॉल बैक नहीं आया, देख सकते हैं ये 1:46 पे आया था मेरे को मेल। उसके बाद मैंने इनको मेल किया 4:33 पे, जबकि 3 घंटे हो चुके थे और मेरे को कोई भी कॉल बैक कार्स 24 की तरफ से नहीं आया था। उसके बाद मैंने फिर से इनको ईमेल किया 6:11 पे कि आपके रिप्लाई के लिए वेट कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद
आरती का, जो कि उनकी कस्टमर एक्सपीरियंस की में जॉब करते हैं, उनका जॉब करती हैं, उनका मेरे को मेल आया कि इनकन्वीनियंस जो भी आपको हुई है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और इन्होंने ये लिखा कि एज डिस्कस विद यू ओवर द कॉल देर वॉज अ टेक्निकल ग्लिच फॉर द सेड कार्ड्स एंड इट वॉज लिस्टेड इन रॉन्ग प्राइस। तो ये जो कॉल की बात कर रहे हैं, कॉल जो मैंने आपको बताया था 24th को अजय जी की तरफ से आया था, ये उस कॉल की बात कर रहे हैं। और मैंने जब इनको, इन्होंने जब लिखा था कि कॉल बैक आएगा, तो वो मेरे को कोई भी कॉल बैक नहीं आया उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको, मतलब ये वाली सीधा उन्होंने लिख दिया कि हाउएवर इफ यू डोंट वांट देन वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो मैंने तो मना किया ही नहीं, मैंने तो 30,000 पेमेंट करी है, तो मेरे को तो गाड़ी चाहिए ही ना। तो मतलब क्लियर कट उन्होंने जवाब इसमें मेरे को नहीं दिया। मैंने उसके बाद फिर से मैसेज लिख के भेजा कि आप जो कॉल की बात कर रहे हैं वो कल हुई थी, वो कॉल आज नहीं हुई थी, अभी मेरे को कोई भी कॉल नहीं आई है। और मैंने उसको बताया कि मैंने अजय जी को फिर से कॉल किया था और उन्होंने मेरे को कहा कुछ कराएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक भी मेरे साथ कुछ नहीं कराया। उसके बाद मैंने अजय जी को भी फिर से कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन उन्होंने कॉल पिकअप नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको यहां पे भी मेल में लिखा कि सेकेंडली आई एम अरेंजिंग कॉल बैक रिक्वेस्ट फ्रॉम कार्स 24 बट यू गाइस आर नॉट कॉलिंग मी बैक। तो मैंने जैसे कि लिखा था कि मेरे को आप कॉल बैक नहीं कर रहे, तो ये सब मैंने ईमेल में डाल दिया कि मेरे को एक कॉल बैक अरेंज कर दो और मैं ये मैटर सॉल्व कराना चाहता हूँ एज सून एज पॉसिबल। ये मैंने कॉल मेल किया था उनको 7:00 25th को। उसके बाद 7:30 मैंने फिर मेल किया कि वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। उसके बाद 8:00 किया, क्वेश्चन मार्क डाला। उसके बाद नेक्स्ट डे 11:44 भी किया, तो तब तक मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके बाद मेरे को नेक्स्ट डे 26th को रिप्लाई बैक आया 11:58 पे कि फिर से प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलोजीज फॉर द इनकन्वीनियंस। उन्होंने फिर वही लिख दिया कि हमने जैसे मेंशन किया था प्रीवियस ईमेल में, आपके जो भी सिलेक्टेड कार्स थे वो गलत लिस्ट हो गए थे, तो उन्होंने कहा कोई और चूज कर लो। मतलब मेरे को कोई कॉल नहीं कर रहे, वो एक ही चीज बार बार मेल में लिख के ही जा रहे हैं कि हमारी तरफ से वो गलत लिस्ट हो गए, तो आप गाड़ियां और कोई चूज कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फिर से ईमेल डाला कि मैं तो आपको कॉल करने को कह रहा हूं, आप कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉल उनकी आनी चाहिए ना। मैंने कॉल के लिए कह रहा हूँ कि मेरे को कॉल आना चाहिए। मैंने फिर लिखा कि ये वे होता है कि मतलब किसी को, कस्टमर को आप कॉल भी नहीं कर रहे, उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया और आप कॉल भी उसको बिल्कुल नहीं कर रहे, और जो मैसेज आप ईमेल्स का भी रिप्लाई कर रहे हैं वो भी इतनी देर बाद कर रहे हैं। वो मेल करने के बाद मेरे को कस्टमर एक्सपीरियंस टीम से आरती का कॉल आया, जिन्होंने मेरे को, जो मेरे को मेल कर रहे थे। तो मैंने उनको फिर बोला कि आप मेरा कॉल बैक भी नहीं अरेंज करा रहे, तो वो कह रहे कि मैंने उसके लिए रिक्वेस्ट रेज कर दी है। बाकी उन्होंने भी मेरे को फिर यही बोला कि वो टेक्निकल ग्लिच था, तो आपको हम कार नहीं दे सकते, 30,000 की कार नहीं हो सकती। तो मैंने कहा जब आपने वहां पे मेगा सेल लिखा था और 30,000 में कार डाली थी, मैंने पेमेंट कर दी थी, और मेरे को आप एक दिन बाद बता रहे थे कि ये ग्लिच था, तो मैंने कहा ये मेरे को तो नहीं पता ग्लिच है कि नहीं है, मैंने कार बाय करी है 30,000 की, दोनों 30,000 की, तो मेरे को ये कार चाहिए। तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं सर नहीं हो सकता, कार नहीं दे सकते। तो मैंने तो बोला कि नहीं मेरे को तो कार चाहिए, तो इसका मेरे को नहीं पता, मेरे को आप कार डिलीवर करो। तो उस पे कॉल पे यही बात हुई कि उन्होंने तो मेरे को सीधा मना कर दिया कि मैं आपको गाड़ी नहीं दे सकते हम। तो उसके बाद मैंने उनको ईमेल डाल दिया कि मैंने आपसे कॉल पे बात करी थी और आपने मेरे को सीधा बोला है कि हम कार नहीं पे कर सकते, आपको गाड़ी नहीं दे सकते दोनों, जबकि मैं फुल पेमेंट कर चुका था। तो मैंने उनको बोला है कि मैं एस्केलेट कर रहा हूं ये हायर मैनेजमेंट को, और अगर हायर मैनेजमेंट से भी मेरे को कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर मैं लीगल एक्शन लूंगा कार्स 24 के खिलाफ। तो जब मैंने मेल किया उनको 1:02 पे उनको मैंने मेल किया था, तो फिर उस ईमेल के बाद मेरे को कॉल आता है रत्ना सागर का, जो कि सेल्स मैनेजर बता रहे थे अपना, अपने आपको कार्स 24 का। तो उन्होंने भी मेरे को सेम बात वही कही कि सर टेक्निकल ग्लिच था, तो हम कार्स तो डिलीवर नहीं कर पाएंगे आपको। तो मैंने फिर वही बोला कि सर मैंने तो पेमेंट करी थी, और अगर टेक्निकल ग्लिच था तो मेरे को उसी टाइम बताना चाहिए था जब मैंने पेमेंट करी है, आप अगले दिन बता रहे हो। तो कह रहे सर टाइम लगता है चेक करने में, ये लगता है, मतलब वो अपना एक तरीके से बताई जा रहे थे कि हम आपको कार्स डिलीवर नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बोला ठीक है सर, अगर आप कार्स डिलीवर नहीं कर सकते तो मैं फिर लीगल एक्शन लूंगा कार्स 24 के खिलाफ। तो उन्होंने मेरे को कहा इट्स योर चॉइस सर, आप ले सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद उसमें भी वो भी कॉल बंद हो गई। उसके बाद आज तक मेरे को कोई भी रिप्लाई नहीं आया कार्स 24 का, ना ही कोई कार्स 24 की तरफ से मेल आई। तो उसके बाद मैंने एक पूरी मेल बनाई जिसके अंदर सब कुछ लिखा कि मैंने ये गाड़ी इस टाइम बाय करी थी,
ये प्राइस था, मतलब जो भी इंसिडेंट्स मेरे साथ लास्ट 2-3 डेज में हुए मैंने सब लिखा, और वो मेल मैंने कास्ट 24 के फाउंडर्स को ईमेल कर दी। तो अब मैंने ईमेल करी हुई है, मैंने कल ईमेल करी थी 26 सितंबर 3:38 PM पे मैंने उनको ईमेल कर दी है। अब उसके बाद से आज डेट हो रही है, आज मंडे है 27/9, देख सकते हैं आज मंडे है, अभी तक मेरे को कोई उनका रिवर्ट बैक नहीं आया है कार्स 24 के फाउंडर्स की तरफ से कि हम कार डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरे को कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने कार्स बाय करी थी 30,000 की, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक है, वो अब स्विफ्ट डिजायर का प्राइस 2,90,000 दिखा रहा है और फीगो 2,05,000 की। लेकिन जब मैं अपनी बुकिंग खोलता हूँ तो वहां पे ये 30,000 ही दिखाता है, और यही दिखाता है कि टोटल अमाउंट जो मैंने पेड है 30,000 और पेबल भी 30 था। ये देखिए फोर्ड में भी सेम वही है कि 30,000 और 30,000, लेकिन वैसे उन्होंने अपनी वेबसाइट पे उसका प्राइस 2,90,000 डिजायर का और 2,05,000 रुपीज फीगो का कर दिया। तो अगर अब मेरे को कोई रिप्लाई आता है या कोई भी अपडेट मिलता है तो मैं आपको फिर से वीडियो डाल के वो बता दूंगा। बाकी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि कार्स 24 या और कोई भी ऐसी वेबसाइट किसी भी कस्टमर के साथ ऐसा फ्रॉड ना कर पाए आगे या ना करे। और मैं आपसे सजेशंस भी मांगना चाहता हूं कि अब इसके बाद मैं क्या करूं अगर मेरे को रिप्लाई नहीं आता, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर मेरे को कोई रिप्लाई नहीं करते ये भी तो अब मैं आगे इसके आगे क्या स्टेप्स लूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो।